तो आपका स्वागत है एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नए इवेंट में। अभी लगातार कई सारे इवेंट और आने वाले हैं जिसकी जानकारी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम दोनों जगह में लगातार दे रहा हूँ, जिससे कि अगर आप नोएडा या दिल्ली NCR के आसपास रहते हैं तो ये सारे इवेंट आप अटेंड कर सकें। आज आया हुआ हूँ नोएडा रामलीला मैदान, जो कि 21A में है, और ये जो शो चल रहा है वो 23, 24 और 25, ये 3 दिनों का इवेंट है और सुबह 11 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ये इवेंट चलेगा। और अगर आप लास्ट डे आ रहे हो, 25th को आ रहे हो, तो ये 4 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अगर आपको ख़रीदारी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ्लावर्स वगैरह या फिर ऐसा कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि लास्ट डे आप बाइक कीजिए, क्योंकि उस दिन ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं ना, वो सोचते हैं कि जो नर्सरी वाले अपना जो लगाते हैं स्टॉल, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम प्लांट मेरा बेच के ही हम यहाँ से जाएं, और सस्ते दामों पर वो निकाल देते हैं। तो ये पूरा इवेंट जो भी है ना, वह मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, हर इवेंट के बारे में जो जानकारी होती है ना, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी देता हूँ और मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप पे भी देता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक होगा ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको लगातार नए नए अपडेट्स ना देता रहूँ। तो ये नोएडा फ्लावर शो का है और इस बार का जो थीम रखा गया है वो स्टॉक पर रखा गया है, तो उसके कई सारे फ्लावर्स दिखेंगे यहाँ पर और उस थीम को लेके ही आगे डेवलप किया गया है। ये यहाँ का मेन गेट है, पहले आपको दिखाऊं, काफ़ी अच्छा सा डेकोरेट किया गया है और ढेर सारे गुलाब यहाँ पर लगाए गए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक काफ़ी सारे गुलाब हैं। देखिए ज़रा, अभी तो यहाँ पर गर्मी अच्छी खासी हो रखी है। मैं आपको बताऊँगा कि गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो आप क्योंकि पूरा खुला मैदान है, डेकोरेशन बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया हो रही है यहाँ पे। ये देखिए, अब अंदर की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ है। देखिए, फर्स्ट डे, और फर्स्ट डे जनरली जो इवेंट होता है ना, वो उतना लेट स्टार्ट होता है, इसलिए मैं आज 12 बजे के आसपास आया हुआ और दोनों तरफ इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं नोएडा फ्लावर शो के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये नोएडा फ्लावर शो का 2024 का बोर्ड, काफ़ी बेहतरीन। अब मैं सबसे पहले और जो सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं सेल्फ़ी पॉइंट्स, और कई सारे सेल्फ़ी पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। पहले वो देख लीजिए और फिर हम आगे की बात करेंगे। एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे दिखी है वो राम मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है फ्लावर्स के थ्रू, और बहुत ही बेहतरीन किया गया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा आपको पहले दिखाता हूँ, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, ये इसका साइड लुक से आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको साइड लुक दिखा रहा हूँ। देखिए, ये सारा का सारा फ्लावर से डेवलप किया गया है, घास लगाए गए हैं, एक तरफ मोर है और जानवर्स को भी जगह दिया गया है, लेकिन मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा। कुछ नया करने की कोशिश किया गया है, और रामलला की जो कि मूर्ति है उसका जो फ़ोटो है वो वहाँ सामने कहीं रखा गया है, तो मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा। तो ये इसका फ्रंट लुक है, ये देखिए, कोशिश मैं करूँगा कि ये पूरा मंदिर जो है ना वो आपको देखे। ये देखिए, बिल्कुल गेट के एंट्रेंस के सामने ही ये बनाया गया है, बिल्कुल सामने, एग्जैक्ट सामने है, तो जैसे आप एंटर करेंगे आपको दिखेंगे। और रामलला की जो मूर्ति है ना, वो उनका फ़ोटो जो है ना वो सामने दिख रहा होगा आपको। तो भाई, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। गार्डनिंग, या बोल सकते हो कि गार्डन डेकोर को भी यहाँ पर जगह दी जाती है, वो हर साल किया जाता है और वो काफ़ी बेहतरीन है होती है।
आपको जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाहूँगा कि देखिए आप जब ये आप देखते हैं ना, ये पूरा सेटअप जिसको बनाने में ना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, और इसमें अगर आप बारीकी से अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर एक जगह इकट्ठी करके आपको दिखाने और प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। ये सामने गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति है, और इधर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से गार्डन का एक डेकोर देने की कोशिश की गई है। ये जो आपको दिख रहा है ये नदी का थीम दिया गया है, और साथ में फ्लावर्स वगैरह है और ज़मीन वगैरह को जगह दी गई है। तो इसी तरह अलग अलग थीम के साथ हर बार कुछ ना कुछ नया करने की ना कोशिश होती है। PWD हो गया या MCD हो गया, ये अपना यहाँ पे ये सारा स्टॉल लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको झलक दिखेगी वहाँ तो ये जो आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे बनाया है और इसे डेवलप किया गया है और उसकी ब्रांडिंग की गई है। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो भी चीज़ें बनाई जाती है उसकी बकायदा मतलब कि उस कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको ब्रांडिंग के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। राम मंदिर को उधर जगह दिया गया है कोने में, और उधर कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाई गई है। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और ये एक और एक जो चीज़ें मुझे जो अच्छी चीज़ दिखी है वो ये देखिए, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए क्या बात है, सामने फाउंटेन लगा हुआ है, एक हट सा बनाया गया है कोने में, और इधर श्वान को जगह दी गई है, बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा सा ये एक डेकोर बन के तैयार हो रहा है। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और अक्सर ये इसी के लिए मुझे लगता है काफ़ी हद तक जाना जाता है, ये जो पूरा एरिया देखेंगे ना यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है ठीक है। अब कंपटीशन अलग अलग फ्लावर्स को लेके, इस बार के जो फ्लावर थीम है वो स्टॉक को रखा गया है, तो स्टॉक के फ्लावर्स को ही लेके आगे ये थीम को बढ़ाया गया। बट इस एरिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, जजेस आए हुए हैं, कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ आपको मिलता है, और काफ़ी अच्छा सा ये फील देता है। आप अगर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराना चाहते हैं तो बेहतरीन जगह है पूरा एरिया, मतलब कि पूरा रामलीला मैदान, मतलब 50% आप बोल सकते हो इन्हीं कॉम्पटिशन से भरा हुआ रहता है। काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी अच्छा सा डेकोर किया जाता है। आप यहाँ पर आएंगे आपको जो फूलों की जो खुशबू होती है ना वो आपको अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा खुशबू फैल जाती है इस एरिया में, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। तो लोग यहाँ रुक रुक के ना फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खाने पीने की काफ़ी पूरा इंतज़ाम है, वो भी दिखाऊँगा आपको। आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए कॉम्पटिशन तो चल ही रहा है, अब कॉम्पटिशन में इंडिविजुअल फ्लावर्स पॉट्स ये सब लोग भी अपने अपना यहाँ पर लगाए गए हैं। मैक्सिमम आपको अब डहेलिया ही दिखेगा कि मैक्सिमम जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना उनका टाइम अब जा चुका, जो सबसे लेट खिलता है विंटर फ्लावरिंग में वो है डहेलिया, और डहेलिया के ही फ्लावर्स ओवरऑल आपको दिखेंगे, गेंदे के दिखेंगे, और थोड़े मोटे जो कि बचे हुए हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स वो उनको उनका कॉम्पिटिशन चल रहा है। मैक्सिमम तो यहाँ ब्लैंक ही दिख रहे हैं जो कि खाली पड़े हैं, लेकिन इस तरफ अच्छे खासे फ्लावर्स हैं और जजेस ना उसे जज कर रहे हैं, ये देखिए। और सामने स्टेज है, देखिए ये जो एरिया एक भी एक डेवलप किया गया है जिसमें कि वेस्ट से कई सारी चीज़ें बनाई गई है, और इसके अलावा ऑर्गेनिक गार्डन को भी जगह दिया गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वेलकम टू द एडोव गार्डन। अब एडोव क्या है, एडोबी क्या है, एडोबी जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका मतलब है कि इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए इसका इनका बोर्ड ना यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी अगर गलत हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा था कई सारे मतलब कि रामलीला मैदान के जो ग्राउंड में एडोबी का बोर्ड ज़रूर लगाता रहता है, ये एक स्पॉन्सर्ड रहता है। अब सामने देखकर देखेंगे तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, देखिए गोभी के गोभी लगे हुए हैं, बंद गोभी है, कॉलीफ्लावर्स हैं, और इसके अलावा आपको ब्रोकली दिख जाएंगे, तो ये ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखिए अंदर की तरफ आता हूँ, जितने भी चीज़ें हैं ना कि वेस्ट से बनाए गए हैं, देखिए पेप्सी और बॉटल्स जो खाली बॉटल्स हम फेंक देते हैं उनसे ये डेवलप कर रहे हैं, ये देखिए वेस्ट टायर्स है, और ये देखिए ये बड़ा सही सा लग रहा है, ये भी काफी अच्छा लगा मुझे।
इकेबाना का एक सेक्शन बनाया गया और मैक्सिमम यहाँ पर मेरे को वाटर प्लांट्स ही दिखे और काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए सारे वाटर प्लांट्स हैं, हाइड्रोपोनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं पानी के अंदर, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। ये देखिए लिलीज उग रहे हैं और सारे के सारे ओरिजिनल अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं। तो जो पीछे जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये बॉन्ज़ाई का है। लास्ट टाइम जो बॉन्ज़ाई का सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब ये तीन अलग अलग जो टेंट्स हैं वो लगाए गए थे, उसमें बॉन्ज़ाई के अलग अलग सेक्शंस बनाए गए थे। बट इस बार मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बट जितने भी हैं सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ज़ाइज है, अगर आपको आप फाइकस जाते हैं फाइकस मिल जाएगा आपको, अलग अलग वेराइटी के बॉन्ज़ाइज आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जितने भी हैं बॉन्ज़ाइज आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा पुराने यहाँ तो जजिंग हो चुकी है, ये इनको मिला है फर्स्ट प्राइज, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन जजिंग हो चुकी है। देखिए वहाँ पर बॉन्ज़ाई का सेक्शन था और भी अलग अलग सेक्शन बनाए गए थे, कैक्टस सैकुलेंट्स इन सब चीज़ों का सेक्शन बनाया गया था और उसका अभी कंपटीशन चल ही रहा था, तो वो मैंने अभी कवर नहीं किया क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो बाद में देखते हैं। और अब मैं आ गया हूँ एक खास सेक्शन जो दिख रहा है आपको मेरी तरफ पीछे के बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, तो यहाँ से ले कर उस कॉर्नर तक लास्ट तक जितना भी होगा वो सारे के सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं कि अगर आप घूमते घूमते थक गए तो भाई आप खाने पीने का भी मज़ा ले सकते हैं। तो भल्ले पापड़ी चाट पकौड़ी जो आप खाना चाहते हैं ये सारे आपको साउथ इंडियन पानी वगैरह को पीना है तो ये इन सब का यहाँ पर टेंट लगाया गया है, जगह दी गई है इनको, तो ये आप यहाँ पर इन सब का मज़ा ले सकते हैं बेहतरीन। और अगर कुछ आपको अचार पापड़ में ख़रीदारी के शौकीन है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और लोग यहाँ पर रुक रुक के सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ न्यू लॉन्चेस हैं जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है जिससे कि उनको थोड़ी सी ब्रांडिंग मिल सके, लोग उनके बारे में जान सकें, तो सैंपल्स भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। तो ये सारा तो खाने पीने का हो गया और थोड़ी बहुत शॉपिंग ख़रीदारी की हो गई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो मेन गार्डन का थीम है, यहाँ से ले कर लास्ट कॉर्नर तक समझ लीजिए यहाँ से लगभग 20 स्टॉल्स होंगे, 20 से ज़्यादा ही होंगे कोने तक, अगर जाऊँ तो 20-25 स्टॉल्स होंगे जहाँ पर आपको अगर आपको शॉपिंग करनी है, मतलब कि आपको गार्डनिंग से रिलेटेड आप इंथ्यूजियास्ट हैं कि आप सोचते हैं कि कुछ गार्डन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाई करने के बारे में, तो वो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। बहुत बल्क में लोग लेके आए हुए हैं, ह्यूज क्वांटिटी में लेके आए हुए हैं। अगर आप सामने देखेंगे तो देखिए पॉट्स का सेक्शन है, वर्मी कंपोस्ट है, स्टैंड्स हैं और मिनिएचर्स, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर जगह दी गई है। दूर तक अगर आप जाएंगे तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सामने अगर मैं स्टार्ट करूँ वहाँ से कोने से, तो वहाँ से ऑर्गेनिक वैली है, ठीक है, और अहमद प्लांटर से लास्ट टाइम भी आए थे, इनको कवर किया था। रौनक सीड्स आ गए हैं सामने, इनको अभी मैंने लास्ट इवेंट में कवर किया था, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सामने जो दिख रहा है ये एक और आ गया द गार्डन स्टोर, तो यहाँ भी आपको दिखेगा बहुत सारी चीज़ें हैं और सफाई गार्डन। तो इसी तरह अगर मैं देखूँ तो लास्ट तक अगर आप जाएंगे तो सीधा का सीधा अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ जो नर्सरी भाई वाले भाई हैं ना वो अपना यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आप बोलेंगे क्या प्राइसिंग बहुत रीज़नेबल होती है, तो भाई प्राइसिंग रीज़नेबल तो मैं बोलूँगा रीज़नेबल तो नहीं, मतलब बोलूँगा ओके ओके रहता है, अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। बट अगर आपको बाय आप सोच के आ रहे हैं कि नहीं मेरे को ख़रीदारी ही करनी है, तब आप आइए बिल्कुल लास्ट में, मतलब कि जिस दिन फ्राइडे होता है, जिस दिन संडे होता है, संडे इवनिंग में आइए, तो आपको एक अच्छा डील यहाँ पर मिल सकता है। वो मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट डे ये नहीं चाहते कि जितना बल्क में ये सामान लेके आए हैं वो वापस उन्हें भेजना पड़े, समझ रहे, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि वो आराम से उसे ये कर ले, बेच के ही जाए, उसे ले कर ना जाना पड़े। A to Z है जो कि न्यूट्री पॉट्स है, उनका भी स्टॉल लगा हुआ है, लास्ट टाइम कवर किया था, इंडिविजुअल बंडी बनाया था, वो भी जाके देखिएगा, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो ये आपका हर्षदीप एग्रो, ये मुंबई की कंपनी है, ठीक है। ये आ गया सरमन, इनका भी इंडिविजुअल वीडियो बनाया था
और इसी के साथ साथ क्रिएशन टीआर एग्रो भी आ गया। इनका भी लास्ट अभी वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, नमस्कार। तो सारे लोग लगभग जानते हैं यहाँ पे ध्रुव ड्राई फ्लावर्स, तो सारे के सारे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। और ब्लूम बगीचा भी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या बात है। तो ये आ गया ब्लूम बगीचा, मिनीचर्स वगैरह के लिए ये जाने जाते हैं। इन पर भी मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, तो वो आप जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है ब्लूम बगीचा की, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। क्या हाल है सर? आओ जी। बढ़िया सर। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये कुछ नया लग रहा है तिरंगा, कुछ नया प्रोडक्ट लग रहा है। इसके अलावा आगे बढ़ता हूँ, श्री बालाजी बीज भंडार, तो ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। इनका कपासेड़ा में बहुत अच्छा स्टोर है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बीज वगैरह के लिए आप जाने जाते हैं एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन शिव एवं खाद बीज भंडार। इन्होंने दो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, एक इधर भी है एक उधर भी है, दो दिख रहे हैं। शिवम बीज भंडार के दो स्टॉल्स हैं, नमस्कार। तो टी एन जी क्रिएशन पॉट्स एंड मोर, इनका भी ये जो है अलग अलग चीज़ों में डील करते हैं। ये सैकुलेंट सही है, तो आपको 50 रुपीज़, 150 इस तरह से प्राइसिंग होती है इनकी। और स्मॉल मिनीचर्स वगैरह में भी ये जाने जाते हैं, तो पॉट्स एंड मोर सामने हैं। ऑनलाइन भी है ये, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये यहाँ भी मिल जाएंगे। देखिए बहुत सारे यहाँ पर हैं, ठीक है, छोटे बड़ी बहुत सारी बड़ी बड़ी नर्सरीज है। प्लांट्स वाला का नाम मैंने सुना हुआ है, ये ऑनलाइन डील करती है जहाँ तक मुझे लगता है। मडी बूट्स आ गई, तो यहाँ मिलेंगे आपको मधु मैम, तो मधु मैम से मिलवाता हूँ। तो सामने है मडी बूट्स, मडी बूट्स के बगल में है तरुवर नर्सरी, और तरुवर नर्सरी के बगल में है फॉरेस्ट ग्रीन शॉप। तो इसी तरह कई सारे शॉप्स हैं जो नर्सरीज वाले हैं, इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। मैं लगातार मैं लास्ट तक घूम के देखता हूँ, और कि कुछ खास होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस नर्सरी। हरियाली नर्सरी आ गई, न्यू राजधानी नर्सरी ये भी आ गई है। तो सब ने अपना पूरा पूरा फुल स्टॉक ले के आए हैं, जो विंटर का जितना निकाल सकते हैं वो निकाल दें। और विशाल रोज़ नर्सरी, क्या बात है। तो इस लोग यहाँ पर अच्छे खासे आए हुए हैं, ये फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में ही मॉर्निंग का टाइम है, और इसमें भी अच्छे खासे लोग आए हुए हैं। बवाना नर्सरी, ग्रो ग्रीन बोनसाई, ये अक्सर आते हैं, हर जगह ये पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई कितनी सारी नर्सरीज आई हुई है यहाँ पर। राजस्थानी नर्सरी सामने आया है, फोर एवर ग्रीन नर्सरी, एग्जॉटिक नर्सरी, अर्थ नर्सरी। आप बोलेंगे कि प्राइसिंग के बारे में मैं क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, प्राइसिंग के बारे में यहाँ बात करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अब प्राइसिंग के बारे में मैं बात करूँ तो प्राइसिंग यहाँ पर आपको सस्ती नहीं मिलने वाली है। सस्ते तो सिर्फ वही चीज़ें मिलेंगी जो कि जिनका सीज़न अब जाने वाला है, समझ रहे हैं, जैसे विंटर अब जाने वाला है। तो जो फ्लावर प्लांट्स ये निकाल सकते हैं ना लास्ट टाइम में, तो 10-20 रुपए में आपको वही मिलेंगे। और यहाँ पर 10-20 रुपए वाला गेम नहीं होता, क्योंकि अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इतने सस्ते वाले प्लांट्स ये लेके कभी कोई नहीं आता, सब कोई लेके आएंगे कॉस्टली प्लांट्स यहाँ लेके आते हैं जो कोई निकल सके मार्केट में। तो आपको सस्ते प्लांट्स बहुत ही कम मिलेंगे, पता 50 रुपए से नीचे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो भी मिलेगा वो सीड्स वगैरह मिलेंगे, या फिर आपको जो विंटर के जो पॉलीबैग्स में होंगे जिन्हें हटाना होगा, तो वही सिर्फ मिलेंगे। जोन्स नर्सरी आ गया, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। सैपलिंग द प्लांट कॉर्नर ये आ गए हैं, मिस्टर विनोद हैं, वो आपको मिलेंगे यहाँ पर। CESI गार्डन हॉबी सेंटर, ओसा नर्सरी, सामने आ गया रमैया नर्सरी। आप देखते जाइए, इतनी सारी नर्सरीज है जो शुरू से लेकर लास्ट तक आपको डिफरेंट डिफरेंट नर्सरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि ख़रीदारी अगर आपको करनी है तो संडे लास्ट डे इवनिंग में कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा डील मिल जाएगा। बाकी यहाँ से अगर आप मैं फुल व्यू दिखाऊं यहाँ से आपको, तो रामलीला मैदान भाई बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, तो पूरा जो है ना लोकेशन बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देखा है, तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको गार्डनिंग इवेंट के बारे में मालूम करना है तो आप मुझे
व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर हम बात भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया यहाँ तक देखा, एक लाइक करना बनता है, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और फिर मिलते हैं नए से किसी वीडियो में और बातें करेंगे आगे की तौर। बाकी चलिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।